हाय गाइस, ऑटो मोबाइल इन्फो ओनली के इस वीडियो में मैं रवि आज आपको रिव्यू करके बताऊंगा रेनो की डस्टर आरएक्स जेड वेरिएंट का। ये टॉप मॉडल वेरिएंट है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं टॉप मॉडल में, जैसे कि आप अगर सीबीटी में लेना चाहते हैं, यानी कि सीबीटी में लेना चाहते हैं तो सीबीटी ले सकते हैं, या फिर आप सिक्स गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आती है। ये 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन में आता है। तो चलिए इसकी पूरी वॉक अराउंड करते हैं और इसका एक एक स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ मैं, और साथ ही साथ कंफर्ट फीचर एंड सेफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। तो हम जब फ्रंट से देखना शुरू करें तो आपको इसमें एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, एलईडी डीआरएल मिल जाता है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हेडलैम्प्स मिल जाया करते हैं। यहाँ पे देखिए तो सारे क्रोम यहाँ पे लगाए गए हैं। ये क्रोम से पूरा फिनिशिंग किया हुआ है, जहाँ यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेनो का लोगो, और ये सारी चीज़ें क्रोम में फिनिश की गई है। ये रेड लाइन क्यों है? ये रेड लाइन इसलिए है क्योंकि ये टर्बो पेट्रोल इंजन है। वहाँ पर भी आपको दिखेगी, यहाँ पर भी दिखेगी, और लेफ्ट हैंड साइड भी आपको यहाँ पे टर्बो पेट्रोल होने के कारण ये रेड लाइन्स दिए गए हैं। उसके बाद हम नीचे देखें तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं। यहाँ पे किसी टाइप का क्रोम ही नहीं है, क्रोम आपको सिर्फ फ्रंट के ग्रिल्स में मिलता है देखने को। और हम आगे और फ्रंट में आए तो यहाँ पे एक कटिंग साइंस टाइप का जो है ये डिज़ाइन बनाया गया है, और SUV का पूरा प्लेट जो है यहाँ पे आपको लगा हुआ नीचे तक मिल जाएगा। साइड मिरर्स को देखें तो बॉडी कलर साइड मिरर्स मिलते हैं, जिसमें इंडिकेटर इनबिल्ट मिलते हैं। RX जेड का यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में लोगो मिलेगा। इसमें आपको मिलता है फ्रोजा के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जिसका साइज़ और प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है। तो प्रोफाइल है 215/60R17, यानी 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि फ्रोजा डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसको रेनो बोल रहा है। और आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है, ये बिल्कुल यहाँ से आती है और यहाँ पे आगे में छोटी हो जाती है। चारों व्हील्स आपको फ्रोजा डायमंड कट अलॉय व्हील्स में मिलेंगे, और जो आपका स्पेयर व्हील है वो आपको स्टील रिम में मिलता है, और वो 16 इंच का मिलता है, 215/65R16 का मिलता है, जो कि आपका यहाँ पे लगा रहता है। उसके बाद हम डोर हैंडल्स की बात करें तो डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर के मिलते हैं, और इस तरह से कुछ कार लगती है आपकी एक साइड व्यू से, यानी राइट साइड व्यू से। ये सारे पार्ट्स जो है वो ब्लैक किए रहेंगे। डस्टर यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ रहेगा, जो कि एक और टर्बो की निशानी है। 100 kg तक का आप लोड जो है इसके रूफ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक एंटीना जो है एक छोटा सा बस वहाँ पे आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको 50 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है। यहाँ पे भी एक स्पेस और एक ग्लास दिया गया है, जो कि रियर व्यू के लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं तो पीछे में आपको वाटर फॉलिंग टाइप का टेल लैम्प्स देखने को मिल जाया करता है, जो कि ये लाइट्स जो है ऑन हो जाती हैं। रियर व्यू में हम देखें तो यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है, विथ वाशर मिल जाता है, और यहाँ पे भी डस्टर जो है वो रेड कलर से लिखा रहेगा, टर्बो रेड कलर में लिखा रहेगा, यहाँ पे रेनो यहाँ लिखा रहेगा। पीछे में किसी टाइप की RX जेड यानी टॉप मॉडल की वेरिएंट का कोई बैजिंग यहाँ नहीं मिलता है आपको। एक कैमरा मिल जाएगा आपको, पार्किंग कैमरा विथ असिस्ट के साथ मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगा हुआ है, जो कि बहुत ही हिडन टाइप है। और यहाँ पे हम नीचे देखें तो टेल पाइप पे जो है, एग्जॉस्ट टेल पाइप पे क्रोम फिनिशिंग की गई है, जो कि देखने में अच्छी लगती है। और यहाँ पे भी SUV कफ प्लेट्स पूरा लगाए गए हैं, तो पीछे से पूरा से SUV अच्छा से ये दिखे, उसके लिए पूरा मेहनत यहाँ पे किया गया है। रेनो का लोगो यहाँ पे है, और ओपन करने के लिए बूट इस बटन को आप दबाते हैं तो बूट जो है आपका ओपन हो जाता है, जो कि एक हाइड्रोलिक है। और यहाँ पे आपको 475 लीटर का बूट स्टोरेज मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा फ्लैट है और एक शेप में बनाया गया है। यहाँ पे आप जो है टूल बॉक्स देख सकते हैं रखा हुआ है, और इधर आपकी लाइट्स मिल जाती हैं, तो बूट लाइट्स मिल जाती हैं, तो रात में आप आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। और इसको आप और भी इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप अपने उस सीट को पूरी तरह फोल्ड कर सकते हैं, और आपका रियर जो सीट है वो पूरी तरह फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपनी रियर सीट्स को पूरी तरह डाउन कर सकते हैं और वो और दब जाती है। उसके बाद आप इस पर आराम से बिस्तर लगा के सो सकते हैं, तो एक इतनी लंबी आपको स्पेस मिल जाती है। अगर आप सिर्फ दो लोग जा रहे हैं तो आप अच्छा खासा सामान इस पर लोड कर सकते हैं। अंदर से हम देखें तो एक बड़ा सा आपको यहाँ पार्सल ट्रे मिल जाता है, तो आप सामान आराम से रख सकते हैं। इसका साइज़ भी देखते हैं तो अच्छा खासा बड़ा दिया गया है। यहाँ पर भी आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, तो अगर आप कुछ चार्ज करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो रियर सीट वाले के लिए भी अच्छा खासा ये कन्वीनियंट हो जाता है। डोर्स की देखें तो डोर्स में यहाँ पर एक कलर किया हुआ मिल जाएगा, और ये वही कलर है जो कि आपका सीट का कलर दिया गया है। क्रोम हैंडल जो है बार्स दिए जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप और पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ एक स्पीकर मिल जाता है, और ये सीट पूरी तरह से पीछे की हुई है, इवन टिल्ट भी कोच ज़्यादा ही की हुई है।
फिर भी इतना स्पेस आपको मिलता है। अगर मैं आपको इस साइड स्पेस दिखाऊं तो तीन लोग इस पे आराम से बैठ सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और तीनों लोगों के यहाँ पे सीट बेल्ट भी आपको मिल जाती है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, यहाँ पे भी एक हेडरेस्ट मिल जाता है, और हैंडरेस्ट भी यहाँ पे लगा हुआ मिल जाता है। अभी इसको हम नहीं निकालते हैं तत्काल, तो हैंडरेस्ट भी आपको सेंटर पे मिल जाता है, अगर आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर हम ड्राइवर डोर से एंट्री करते हैं तो डोर ये दो स्टेप में खुलती है, एक यहाँ पे जाके लॉक होती है और ये एक यहाँ पे जाके लॉक होती है। जब डोर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल जो है साइड मिरर्स मिलते हैं दोनों ही लेफ्ट एंड राइट, और आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं अंदर से ही, दोनों एक बार में जो है फोल्ड भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको वन टच डाउन मिरर्स विंडोज़ और वन टच जो है मतलब डाउन और वन टच जो है बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो एक क्रोम फिनिशिंग में ये भी मिल जाएगी, ये चीज़ एक सिल्वर फिनिश या फिर आप ग्रे लाइट ग्रे कलर का ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिया गया है, और ये भी फैब्रिक जो है जो आपके सीट के कलर सीट का जो फैब्रिक है सेम फैब्रिक यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। अब हम अंदर चलते हैं और कार के इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको एनालॉग टैकोमीटर मिल जाता है, एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक डिजिटल मीटर मिल जाता है, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, और इसको यहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और ETC देख सकते हैं, उसको हम एक जगह और दिखाएंगे आपको। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, जो कि यहाँ से आप अपने स्पीड को और यहाँ से बाकी चीज़ें देख सकते हैं। इधर हम देखें तो सोर्स ऑडियो कंट्रोल्स या फिर अपने फ़ोन के कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, सारे फ़ोन के कंट्रोल्स कर सकते हैं, और वही लाइट ग्रे या फिर आप इसको सिल्वर बोल सकते हैं। उसी फिनिशिंग में आपको हैंडल बार्स पे दिए गए हैं, और ये एक क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे की गई है। हॉर्न का मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, तो कुछ इस तरह का हॉर्न का आपको साउंड सुनाई देगा। इस स्टीयरिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं, टिल्ट नहीं कि टेलीस्कोपिक नहीं होता है, बस टिल्ट में आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अनुसार। तो अभी मैं आप करके छोड़ देता हूँ। यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है आपको देखने को, और ये कुछ ऐसा की मिल जाता है। इसमें एक और फीचर आपको मिल जाता है, अगर आप अपने कार को अपने अंदर आने से पहले ठंडा करना चाहते हैं तो आप इसको अगर 2 सेकंड होल्ड करते हैं तो आपकी कार स्टार्ट होके और AC ऑन रहेगा, जिसमें आप ठंडा कर सकते हैं। उसमें आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है यहाँ से स्विच ऑन होना चाहिए पहले से, तब आपका वो फीचर वर्क करेगा। यहाँ पे देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको AC मिल जाता है, और यहाँ पे हम मैक्स ये सारे बटन्स के फीचर में दिए गए हैं। ये फैन का स्पीड है, और हम एक बटन के क्लिक से हम अपने AC के एयर को मूवमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, ए फीचर यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये ए फीचर वर्क करता है। जब भी आप ट्रैफिक में होंगे, जब आप कार चला रहे होंगे, जब आप ट्रैफिक में रुकिएगा और आप जब ब्रेक दबाए रहेंगे आप, और मतलब एक तरह से आप जब रुकिएगा तो आपकी कार जो है सेंस करके बंद हो जाएगी, और फिर जब आप क्लच लेके और एक्सलेटर लीजिएगा तो आपकी कार जो है फिर से स्टार्ट होकर चलने लगेगी। तो एक हमारा की लेने का, क्योंकि इसमें पुश स्टार्ट सिस्टम नहीं है, तो की एक ऑन करने का एक जो है परेशानी ख़त्म हो जाता है, और हमारा फ्यूल इकोनॉमी यानी कि हमारा फ्यूल भी बचता है, वहाँ पे पेट्रोल बचता है, जिसे हम अच्छे से अच्छे एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 गियर ट्रांसमिशन मिल जाते हैं, 1 रिवर्स और 6 स्पीड मैनुअल मिल जाता है। आप CVT ऑप्शन भी इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। दो कप होल्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को, और यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, हालांकि मुझे नहीं लगता है इसमें आप यूज़ कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हैंड ब्रेक जो है वो डाउन जाता है। एक बड़ा बोतल होल्डर यानी 1 लीटर वाला बोतल आराम से इसमें होल्ड आप कर सकते हैं चाहे तो। इस सीट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, मतलब हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टिल ये कर रहे हैं, और आगे अगर करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और हाइट के लिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं, तो ये हाइट के लिए दिया हुआ है। तो इसको पकड़ के अगर आप आगे की तरफ खींचेगा तो हाइट ऊपर चली जाएगी, और ये इस पोर्शन से आपको पता चलेगा कि हाइट ऊपर जा रही है कि नहीं, और ऐसे पीछे करते तो हाइट जो है वो डाउन हो जाती है। तो आप हाइट वो भी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर बोनट दिखे। वैसे क्योंकि ये इस टाइप की कार ही है कि इसका बोनट दिखाई देता है, ये बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी है, और जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो लगभग 200 ग्राउंड क्लियरेंस इसका 205 mm का आता है, जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आप कहीं से भी इस कार को निकाल सकते हैं, आपको कहीं भी जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ऑफ रोड में खासकर, और एक मजबूत कार आपको यहाँ पे मिल जाती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ से इसको हम एक बार ऑन करते हैं, और एक बार इसको पहले हम इधर से पूरा साउंड को जो है वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, उसके बाद ड्राइविंग इको पे हम आते हैं।
तो यहाँ पे आपको मिलता है एक्सीलरेशन, मतलब आपने किस तरह से कार को चलाया है। ट्रिप रिपोर्ट आता है कि एवरेज फ्यूल कंजप्शन क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, और डिस्टेंस विदाउट कंजप्शन ये क्या है, और इको कोचिंग क्या है। तो जनरल तरीके से इसमें चार चीज़ें मिल रही हैं। ये क्यों आवाज़ कर रहा है? सीट बेल्ट रिमाइंडर आई थिंक आवाज़ कर रहा है। लेट्स सी, और टू इम्प्रूव जनरल में द इंजन आइडलिंग समथिंग एक्सीलरेशन और गियर शिफ्ट जो है आपको वो भी इंडिकेट करता रहेगा सामने में, जिससे आप पता चलेगा कि आप बेहतर से बेहतर फ्यूल इकोनॉमी निकाल लीजिए। और इंजन ब्रेकिंग जो है वही जो मैंने बताया कि आपकी गाड़ी बंद हो जाती है समथिंग, तो इसके बाद हम ऑफ करते हैं। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का भी सिस्टम इसमें आपको इनबिल्ट मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको एक जैक मिल जाता है और USB मिल जाता है। वॉल्यूम आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, इससे आप लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। हजार्ड लाइट यहाँ पे इंटीरियर में देखे तो एक और कलर आपको देखने को मिल जाएगा, ये कलर। और ये जो है कूल्ड ग्लव बॉक्स है, तो अगर आप अपने कूल कुछ सामान रखना चाहें तो इतना सामान अट जाएगा, मतलब एक बोतल अट जाएगा या फिर आपका एक टिफिन अट जाएगा समथिंग। नीचे में हम देखें तो यहाँ से आप इतना बड़ा एक और ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आपको एक लाइट्स मिल जाती है, तो आप अंधेरे में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। ये चीज़ एक साइन कलर में, साइनी ब्लैक कलर में दिया गया है। और हम सीट के फैब्रिक की बात करें तो इस तरह का सीट फैब्रिक आपको देखने को मिलता है, और काफ़ी बकेट सीट टाइप का ये देखने में, मतलब आपको फील होगा। वैनिटी यहाँ पे मिल जाता है और ये वैनिटी मिरर के साथ मिल जाता है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो आपको फ्रंट में डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है। साथ ही साथ अगर ESP आप जो है टॉप वेरिएंट मिल देते हैं, यानी कि ये RX-Z लेते हैं, उसमें ESP मिल जाता है, तो ये आपके स्टेबिलिटी को जो है बनाए रखता है, क्योंकि इस कार को हिल और ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा बनाया गया है, तो वहाँ पे ये ज़रूर काम करती है। हिल स्टार्ट असिस्ट जो है HSA भी आपको इसमें फीचर मिल जाता है, और रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है विद गाइडलाइंस मिल जाता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग विथ ये दे देगा, और अगर आप स्टीयरिंग को मूव करते हैं तो उसके अनुसार ये मूव भी करेगा कि आपकी कार जो है कहाँ पे जा रही है। इसको एक गियर को जो है जब आप लगाते हैं, जब रिवर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे एक बटन मिलता है जिसको आपको होल्ड करके अप करना होता है, तब आप इसके रिवर्स को लगा सकते हैं। ओवरऑल आपको इसमें 6 गियर ट्रांसमिशन ऑफर किए जाते हैं, 4 स्पीकर्स और जो ट्यूटर्स है, यानी स्पीकर्स आपके डोर्स पे मिलेंगे, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डोर से मिलेगा, और यहीं पे एक बड़ा स्पेस मिल जाता है, आप जो सामान यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं, रीडिंग लाइट्स मिल जाती है। यहाँ पे से आप अपने एंड्रॉयड ऑटो से भी वॉइस कमांड दे सकते हैं, या फिर जब बात करते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और रियर में अगर लाइट देखें तो रियर में लाइट्स दो जगह आपको मिलती है देखने को, एक जो लेफ्ट साइड पैसेंजर के साथ और एक राइट पैसेंजर के साइड आपको देखने को मिलता है। फ्रंट के दोनों ही हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल है, तो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। सीट्स काफ़ी वाइड हैं, यानी बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी है, तो किसी भी साइज़ के व्यक्ति हो, थोड़े से हेल्दी भी हो, मोटे भी हैं, तो भी आराम से इस सीट पे बैठते हैं, क्योंकि सीट की जो वाइडनेस है वो काफ़ी अच्छी वाइड सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें सीट में तो आपको वेरिएबल एडजस्टमेंट्स मिल जाते हैं, उसके साथ साथ आपको सीट में लंबर सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी जो आपका बैक का एरिया होता है, ये एरिया कभी कभी हम जब लॉन्ग टूर्स पे होते हैं तो हमें खाली खाली सा और उसमें पेन होने का खतरा होता है, तो आपको एक लंबर सपोर्ट मिल जाता है, जिसका आपको यहाँ पे स्विच दिख रहा होगा। तो जब आप बैठते हैं तो ये आप देख सकते हैं, इसको आप जब खींचते हैं तो आपको एक अच्छा खासा लंबर सपोर्ट मिल जाता है। तो आप जब लॉन्ग टूर्स पे होइए, क्योंकि ये कार जो है बेसिकली लॉन्ग टूर्स के लिए बनाई गई है, तो इस लंबर सपोर्ट के मिल जाने से आपका जो राइडिंग ड्राइविंग कंफर्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इस लंबर सपोर्ट को जब हम यहाँ पे इनेबल कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं, जब मतलब अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप रख सकते हैं। तो चलिए अब इसका इंजन बे खोलते हैं और इंजन बे देखते हैं, और साथ ही फ्यूल लीड का जो ऑप्शन है वो यहीं पर दिया गया है, तो यहाँ से आप फ्यूल लीड खोल सकते हैं, और फ्यूल लीड में आपको दिखा देता हूँ। 50 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ से आप इस तरह ओपन कर सकते हैं। अब इंजन बे को खोलने के लिए यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ से हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक आपको जो है बोनट मिल जाता है ओपनर, और कुछ इस तरह का आपको इंजन बे देखने में लगता है। ये बिल्कुल फिनिश और 1.3 लीटर टर्बो जो ये पेट्रोल इंजन है,
156 पीएस का पावर निकालती है और 254 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालती है। तो जैसा कि 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, अच्छा खासा पावर आपको और टॉर्क निकाल के देता है, जो कि 254 न्यूटन मीटर का टॉर्क कहीं भी इस कार को ले जाने के लिए काफ़ी है। अगर हम पावर की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 156 पीएस का जो है पावर मिल जाता है। फ्रंट व्हील ड्राइव यानी आगे के चक्के से ये कार जो है चलती है। तो ये इसका इंजन पे मुझे लग रहा है जैसे इतना अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे मतलब काफ़ी फुल फील्ड इंजन है, काफ़ी हैवी लग रहा है। अगर आप इस इंजन के बे को देखिएगा तो लगेगा कि हाँ एक बहुत ही अच्छा पार्सल बनाया गया है। इंजन को एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा से यहाँ पे देखने को मिलता है और फ्रंट में भी आपको काफ़ी लंबे बेस तक आपको जो है आगे के जो स्टील है वो दिया गया है, काफ़ी अच्छा फ्रंट बेस दिया गया है। अगर इंजन से दूरी भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी मिल जाती है, तो एक अच्छा खासा लंबा बोनट भी मिल जाता है। प्लस उसी के साथ जितना ज़्यादा लंबा आगे का बोनट हो उतना हम सेफ्टी के नज़रिए से उसको अच्छा मानते हैं। तो यही थी मेरी रेनो डस्टर RX-Z टॉप वेरिएंट की जो है रिव्यू थी, 1.3 लीटर पेट्रोल टर्बो इंजन। तो इस कार को अगर आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं या फिर आप शोरूम में लेना चाहते हैं, आप अपने घर पर लेना चाहते हैं, तो मैं पटना के पटना साउथ यानी रेनो के पटना साउथ शोरूम में हूँ। तो यहाँ पे आके आप टेस्ट राइड ले सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपने घर पे भी टेस्ट राइड के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे पटना के बेउर मोड़ के पास ये शोरूम अवेलेबल है, तो आप यहाँ के भी टेस्ट राइड ले सकते हैं या फिर अपने घर पे मंगवा सकते हैं। ऋषभ जी का मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो जो भी इंक्वायरी हो आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जैसे आज RX-Z हमने किया, तो किसी और वेरियंट का भी रिव्यू करेंगे। अगर आप इसके बेस वेरियंट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आई बटन पर वीडियो आ रहा होगा या फिर आपके सामने आ रहा होगा। बेस वेरिएंट में आपको क्या फीचर ऑफर करती है रेनो की डस्टर, वही 1.3 लीटर सेम पेट्रोल इंजन, परफॉर्मेंस में कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी, तो वो सेम अगर रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बाय बाय।